वैसे आपको मैं ये दिखा दूं, यहाँ ऐसे नज़ारा दिख रहा है भाई साहब, एक प्लेन जा रही है क्या एकदम मस्त फ्लोर, कितने मैं 13वें फ्लोर पे हूँ। एक्चुअली एक चाइनीज कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, सब कुछ चाइनीज में है, न्यू कॉलोनी है जो चाइना कर रहा है, चाइना की जो डेप्थ रैप होता है आपको पता ही है। तो इस पूरे भाई साहब मोहल्ले में जितनी भी आपको बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ये बड़ी बिल्डिंग आपको दिखी, ये वाली बड़ी जो बड़ी बिल्डिंग है, और आपको तो मेरे हिसाब से आसपास कहीं नहीं दिखेगा, तो थोड़ा दूर दूर है, मतलब मेरे रेंज से अराउंड 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के पहले कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है। लेकिन ये जो बड़ी बिल्डिंग है चाइना ने बनाया है। इनफैक्ट जो साइन है आपकी, जो स्विमिंग पूल की साइन है या तो फिर एलिवेटर में जो साइंस हैं, चाइनीज़ में है, मंदरीन में, चाइनीज़ तो कोई लैंग्वेज नहीं है, मंदरीन में है। तो भाई साहब इस गरीब इलाके में, कहीं अब गरीब इलाका है भाई, किसी के पास दोमिला नहीं है और किसी की छतें नहीं है, सारे छपड़े वाले छत हैं यहाँ पे। इस गरीब कॉलोनी में एक अमीरी वाली एक इतना बड़ा अपार्टमेंट बनाया है। एक्चुअली ये एक 3-स्टार अपार्टमेंट है, एक्चुअली 4-स्टार होटल है। तो जो होटल भी है वो चाइनीज़ का भाई साहब का है, चाइनीज़ होटल है ये, और सस्ता है, मतलब सस्ता तो नहीं कहूँगा भाई अपने के स्टैंडर्ड से, लेकिन 2000 रुपये के आसपास का, तो 1000 रुपये पर बंदा पड़ा। साथ में एक स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, और ब्रेकफास्ट बफेट ब्रेकफास्ट है। तो खाना जो होता है काफ़ी अच्छा खासा, मतलब ब्रंच कह लो, ब्रेकफास्ट नहीं ब्रंच ही, क्योंकि हम लोग 11 बजे के आसपास खाते हैं तो ब्रंच बन जाता है। ये सब जो चाइना का जो ट्रैप है उसके ऊपर मैं कहीं बात करूँगा, बट ये चाइना का जो डेप्थ ट्रैप है वो बहुत ही बेकार काइंड ऑफ है, या अच्छा मान लो जो भी हो, डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में ले रहे हो। इसका एज अ पॉजिटिव साइड भी है, इसका एज अ नेगेटिव साइड भी है। ये सब अफ्रीकन पुअर कंट्री।